आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश शिव की नगरी में विराजे हैं। 7 सितंबर 2024 को विराजे हैं और उनके भक्तगण 17 सितंबर 2024 को अगले साल जल्दी आने की दुहाई देते हुए, गुहार लगाते हुए, विनती करते हुए 17 सितंबर को उन्हें विदाई देंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी शहर का एक गणेश मंदिर छिंदवाड़ा चौक, जो अब शंकराचार्य चौक के नाम से जाना जाने लगा है, इस चौराहे पर भगवान श्री गणेश का ये मंदिर, बहुत सुंदर प्रतिमा यहाँ दिखाई दे रही है और आप पार्श्व में भजन भी सुन रहे होंगे। महिलाओं के द्वारा लगातार 10 दिनों तक दोपहर में भजन किए जा रहे हैं, पूरे विधि विधान के साथ, धर्म धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर, हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री गणेश की 10 दिनों तक स्थापना के उपरांत पूजन अर्चन लगातार जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। गजानन, देखिए आप किस तरह यहाँ विराजे हैं। गणेश मंदिर का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, माता रिद्धि और सिद्धि दोनों तरफ दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पार्श्व में आप भजन भी सुन रहे होंगे, महिलाओं के द्वारा यहाँ पर भजन लगातार गाए जा रहे हैं। और एक बात हम आपको बता दें कि इस मंदिर में रोज 10-10 किलो बढ़कर भगवान श्री गणेश का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। 7 तारीख से ये आरंभ हुआ है और 7 तारीख को 10 किलो, 8 तारीख को 20 किलो, माफ़ कीजिएगा 11 किलो, 8 तारीख को 21 किलो, 9 तारीख को 31 किलो, 10 तारीख को 41 किलो, 11 तारीख को 51 किलो, 12 तारीख को 61 किलो, 13 तारीख को 71 किलो, 14 तारीख को 81 किलो और 15 सितंबर को 91 किलो का प्रसाद चढ़ाया गया है। हर दिन 10-10 किलो बढ़ाकर प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा चौराहे पर शंकराचार्य चौक पर स्थित ये गणेश प्रतिमा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ किस तरह भक्ति भाव से लोग आ रहे हैं और झूम रहे हैं। झूमते हुए देखिए, छोटे से बच्चे को, एक नन्हे मुन्ने बालक को लेकर एक महिला कितने सुंदर तरीके से यहाँ नृत्य करती आपको दिखाई दे रही होंगे। छोटा सा बच्चा और उस बच्चे को नृत्य कराती, उसकी साथ में ये देखिए नृत्य करते हुए वे कितना लोक मन भावन यहाँ पर नज़ारा। ये देखिए इसके बाद नृत्य झूमते हुए, भजन पर झूमती हुई महिलाएं आपको दिख रही होंगी। बहुत भक्ति भाव का यहाँ पर नज़ारा होता है। शंकराचार्य चौक पर स्थित भगवान श्री गणेश का ये देवालय, भगवान श्री गणेश के इस देवालय में अपने बच्चों के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सभी कामनाएं करते हैं। और ये देखिए बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश के सामने चल रहा है ये भजन और साथ ही भजन पर वे नृत्य करती हुई भी दिख रही हैं अपने छोटे से बालक को। छोटे से बालक को देखिए वहाँ पर लेकर गजानन महाराज के पास गए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हम फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे आपसे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों, खबरें पसंद आ रही हों, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त लेंगे, जय हिंद।